बड़वाहा, अक्टूबर को दिन दहाड़े 11 बजे मंदसौर में गीता भवन ब्रिज के पास विहिप के विभाग सहमंत्री युवराज सिंह चौहान एडवोकेट की नृशंस हत्या को लेकर शनिवार नगर के हिंदू संगठनों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। उक्त घटना को ज्ञापन में सुनियोजित षड्यंत्र व सोची समझी साजिश बताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच, SIT गठन व आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की गई है। ज्ञापन में बिंदुवार कहा गया है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी अपराधियों में कानून और पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नहीं है। अपराधी सरेआम कानून तोड़कर निर्भीक घूम रहे हैं। प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा गया कि प्रदेश में विगत 9 महीने से जंगल राज प्रारंभ हो गया है। हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्याएं हो रही हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनकर बैठा है। पूर्व में विहिप द्वारा बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर दिए गए ज्ञापन का स्मरण कराते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार प्रदेश में अपराधियों और संरक्षण देने का कार्य कर रही है। हत्या में संलिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी व सक्रिय गिरोह का पर्दाफाश नहीं किया जाने की सूरत में चरणबद्ध प्रचंड आंदोलन की चेतावनी दी गई है। विहिप, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच आदि हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मौजूद थे। बड़वाहा, मध्य प्रदेश से मनोज जैन की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सरकार, कमलनाथ सरकार, ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल के पद चिन्हों पे चलने का कार्य कर रही है। वह सरकार भी हिंदूवादी नेताओं की, हिंदू संगठनों कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या करवा रही है। ऐसा लगता है कि कमलनाथ सरकार भी इसी की कोशिश कर रही है, लेकिन बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद इस प्रकार के कार्य मध्य प्रदेश में होने नहीं देंगे। अगर कमलनाथ सरकार इस प्रकार के कार्य करती है तो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद पुरजोर इसका विरोध करेगा। अभी वर्तमान में जो मंदसौर के युवराज सिंह जी चौहान की जो हत्या हुई है, उसके लिए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, कमलनाथ सरकार से ये मांग करता है, महामहिम राष्ट्रपति महोदय से ये मांग करता है कि इस जो भी इस कार्य के अंदर दोषी है उनकी निष्पक्ष जांच हो, SIT का गठन हो और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कठोर कार्रवाई हो, और जब इनके दोषी पकड़ा जाए तो उनको फांसी की सजा हो।